Myself, Muzaffar Nabi, मैं यूटी जनरल सेक्रेटरी जैक आर और एम मेंबर ऑफ DUCC. बेसिकली हमारे एक बहुत बड़े लीडर जो पूरे इंडिया के लीडर हैं, एम्प्लॉयज के लीडर हैं, श्री SP तिवारी जी यहाँ पे राजमान हुए थे, तो उन्हीं के एजाज में और उनके वेलकम में हमने एक छोटा सा मीटिंग और एक कन्वेंशन रखा था, जिसका यही मुद्दा मकसद था कि जो जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज हैं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के एम्प्लॉयज हैं, उनको यूनाइट करना. क्योंकि आप देखते हैं, आप मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. हमेशा आपने मुलाजिमों के जो जायज़ जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको उजागर किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और ग्रेटिट्यूड अपना एक्सटेंड करता हूँ. सर देखिए, हमारा यही मकसद है कि जितने भी मुलाजिम एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी यूनियंस हैं, एसोसिएशन हैं, उनको हम यूनाइट करना चाहते हैं. इसी ज़िमन में एक यहाँ पर एक प्रोग्राम था ताकि जो हमारे मुलाजमों के जो दरपेश मसाइल हैं, जो उनकी दीरेना मांगे हैं, जैसे सबसे जो बड़ी मांग है, आप भी उसको उजागर करते आ रहे हैं. मुझे लगता है उजागर करते करते आप बड़े हो गए हो, तो वो डेली वेजरों का मसला है. हमारे PHE, PDT, सोशल वेलफेयर, रहबर ज़िरात, रहबर खेल, हमारे लैंड ओनर्स, हमारे SPO भाई जो पुलिस डिपार्टमेंट में, उनकी बात कम होती है, लेकिन वो देखिए 24/7 अपनी ड्यूटीज को अंजाम देते हैं. और कितने हमारे SPO भाई जो शहीद हो गए, तो हम चाहते हैं जितने भी डेली रेटेड वर्कर्स हैं, तो उनका जो मसला हल हो. क्योंकि इनके साथ मैंने आज अपनी तकरीर में भी दो ही अल्फाज का इस्तेमाल किया, इनका इस्तेमाल हुआ और इस्तेसाल हुआ. जितने भी गवर्नमेंट्स आई, जो पॉलिटिकल सिस्टम था या कोई भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, इन्होंने इनका अभी तक इस्तेमाल और इस्तेसाल किया. लेकिन इनका मसला जो डेली वेजर 25 साल पहले लगा था, वो अभी डेली वेजर है और वो डेली वेजर ही मर रहा है. और देखिए, इनसे जो है डिपार्टमेंट में हर एक सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल काम लिया जाता है, लेकिन इनको सबसे कम उजरत दी जाती है. अटल डोलो जी से, जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उनसे भी मिले थे, तो कुछ लग रहा है इंशाल्लाह जो LG गवर्नमेंट है इसमें वो कर रहे हैं कुछ. देखिए, मैंने इससे पहले भी बोला था, जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुल्क की कमांड संभाली थी, तो उनका एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी LG एडमिनिस्ट्रेशन में, ICDS डिपार्टमेंट में हमारी हेल्पर्स सुपरवाइजर्स हैं, जिनका अपना मसला बड़ी ऊंची लेवल पे हाईलाइट किया था, 900 बहनों और माओं को डिसएंगेज कर दिया गया विदाउट नोटिफाइंग देम, विदाउट उनको कोई नॉलेज, उनको डिसएंगेज किया गया. इसी तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ऐसे मसले हैं, किसी में रेगुलर वेजेस हैं, किसी में इनको जॉब सिक्योरिटी है. तो ये मसले हल होंगे इंशाल्लाह, हम पुर उम्मीद हैं, हम अभी भी ये यकीन रखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है. मैं SP तिवारी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC, और मैं CBT मेंबर EPFO भारत सरकार. मैं यहाँ कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आया हूँ, हमारे यहाँ TUCC जम्मू कश्मीर की कमेटी के इन्विटेशन पर. उसमें कल अनंतनाग म्यूनसिपल टाउन हॉल में हमारे आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स और हेल्पर्स का कन्वेंशन था साउथ कश्मीर का. उसमें आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स के सारे मसाइल पर हमने डिस्कशन किया. उसमें हमारी जो आशा आंगनबाड़ी की लीडर्स थी, साइना, फिरदौस, रिद्वीना और हमारे फामिदा, ये सब लोग मौजूद थी. और बहुत अच्छा कल कन्वेंशन रहा, उनकी बहुत सारी मांगें हमारे ध्यान में आई हैं और उस पर हम विचार करने का हमने उनको भरोसा दिलाया है. हमने ऑलरेडी उनकी मांगों को रेज किया था, जब फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग 24 जून को हुई थी, तो TUCC की तरफ से मैं उसमें मौजूद था. और मैंने उनको कहा था कि आंगनबाड़ी जो हमारी बहनें हैं या आशा बहनें हैं, उनको वर्कर्स का दर्जा दिया जाए, क्योंकि कानून में उनको वॉलंटियर्स कहा जाता है और वॉलंटियर को वर्कर्स का राइट नहीं होता है. भारत के जितने भी लेबर लॉज हैं उसमें वर्कर को राइट्स हैं, वॉलंटियर्स को कोई राइट नहीं है. तो हम पहले चाहते हैं कि उनका जो ओहदा है वो वॉलंटियर्स से चेंज करके वर्कर कर दिया जाए. एज सून एज दे विल बिकम वर्कर्स, दे विल बी इंटाइटल्ड फॉर द मिनिमम वेजेज ऑफ द स्टेट, दे विल बी इंटाइटल्ड फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, एंड दे विल बी इंटाइटल्ड फॉर टर्मिनल बेनिफिट्स ऑफ द वर्कर्स. ये हमने डिमांड किया था. और फर्दर कल के कॉन्वेंशन के बाद इस मुद्दे पर और भी सकारात्मक रूप से और तेजी के साथ हम काम करेंगे. आज हमारा यहाँ जो हमारा लीडरशिप का ये कन्वेंशन, इसमें हमारे डेली वेज के जो हमारे लोग हैं, कैंपा के लोग हैं, सीजनल वर्कर्स हैं, ये तमाम लोग, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, परमानेंट वर्कर्स, ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव लोग यहाँ आए. और पिछले 2 घंटे से
सारे विषय पर चर्चा हो रही है। खास करके जो चर्चा आज के दिन में है वो डेली वेजेस पर ज़्यादा फोकस था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि वो 2500-3000 रुपये लेके काम करते हैं, और बहुत लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना पैसे में काम करते हैं। तो ये तो एक तरह से गवर्नमेंट बॉन्डेड लेबर को बढ़ावा दे रही है। सरकार हमारे इस देश में, हमारा संविधान कहता है वी आर वेलफेयर स्टेट, और अगर सरकार ही वेलफेयर स्टेट का मामला छोड़ दे तो ये तो ह्यूमन राइट का उल्लंघन है कि आप काम हमसे पूरा ले रहे हो और हमको तनख्वाह 2500-3000 और बिना पैसे से हम काम करवा रहे हैं। ये बात एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दूसरा विषय ये है कि बहुत सारे वर्कर्स जो लंबे समय तक पेरिनियल नेचर में सीनियर वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैंने पहले उनका डिमांड किया था कि भाई ऐसा है कि देश में कई राज्यों में ऐसा है कि उनको 9 महीने काम मिलता है, 9 महीने की पूरी तनख्वाह उनको मिलती है और 3 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है। तो यहाँ के अधिकारियों ने यह कहा था कि साहब इसका कुछ डॉक्यूमेंट आप हमको प्रोवाइड करिए। मैंने यूपी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट भी सरकार के जो अधिकारी हैं उनको मैंने भेजा, एलजी साहब को भी भेजा कि आप देख लो कि कई राज्यों में इस तरह का है। मैंने उनको मेंशन किया बिकॉज आवर ऑनरेबल एलजी साहब इज फ्रॉम यूपी एंड ही नोज दिस इशू ऑल्सो, यूपी में शुगर केन वर्कर्स को सीजनल वर्कर्स माना जाता है, उनको ये बेनिफिट मिलता है। तो आपने कहा अगर उनको मिलता है तो फिर हमारे कश्मीर के, कश्मीर में आप हमारे महामहिम हैं तो यहाँ तो उनके उन वर्करों को मिलना ही चाहिए। इस तरह से कैंपा वर्कर्स की प्रॉब्लम है और सारे वर्कर्स की प्रॉब्लम है, और खास करके परमानेंट वर्कर्स जो यहाँ रेगुलर वर्कर्स हैं उनमें हमने देखा है कि 6th और 7th पे कमीशन की बहुत सारी एनोमलीज अभी तक दूर नहीं की गई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी एम्प्लॉयज की दूर नहीं की गई। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको आराम से यहाँ का जो कमीशन है वो ठीक कर सकता है। ये नहीं ठीक कर सकते हैं तो ये डीओपीटी को लिख सकते हैं, डीओपीटी की गाइडलाइन है इस विषय पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी डिपार्टमेंट से ये पूछ सकते हैं कि साहब इसको रिजॉल्व करें। तो डीओपीटी एक टास्क फोर्स बना करके कश्मीर के लोगों को लेकर के उसको रिजॉल्व कर सकती है। प्रश्न ये है कि देखिए अगर कश्मीर को मजबूत करना है, कश्मीर के लोगों को देश के मेन स्ट्रीम में शामिल करना है, तो कश्मीर के कामगारों की समस्या का समाधान करना ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। और ये समस्या का समाधान करने के लिए TUCC एज ए सेंट्रल ट्रेड यूनियन लीडर, TUCC एज ए आइडियोलॉजिकल वर्कर्स विंग ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि सेकुलर थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो हम उनके विंग के तरह से एकदम साफ सुथरा राष्ट्रवादी पैमाने पर हम कहीं कोई भी किसी भी तरह की कश्मीर में कोई गलत काम करने की इजाज़त हम अपने कार्यकर्ताओं को नहीं देते। हम राष्ट्रवादी लोग हैं और हम चाहते हैं कि संविधान के आधार पर और देश के कानून के आधार पर इसका फैसला होना चाहिए और इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एक बार अगर इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कश्मीर हमारे देश का ताज था और मजबूत ताज बन के उभरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीर को हिंदुस्तान से हटा नहीं सकेगी। कश्मीर के लोग और कश्मीरियत की जो जिंदा दिली है वो हिंदुस्तान को और मजबूत करेगी, ये हमें पूरा भरोसा है। हम आपके माध्यम से इस हिसाब से अनुरोध करेंगे कि इनकी जो तकलीफें हैं, इनके जो मसाइल्स हैं, उनको वो हल करने की कोशिश करें। हम उनके साथ हाथ मिला करके कोऑपरेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनके मसाइल पर डिस्कशन हो, उनके अधिकारी डिस्कशन करें और इसको रिजॉल्व करें। देखिए क्या है कि वजीर खजाना के सामने हमने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी और हमने कहा था कि कश्मीर का बजट बढ़ाया जाना चाहिए, और आई वॉज फॉर्चुनेट कि फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी बात की नोटिंग दी, उन्होंने पेन से अपने पैड पर लिखा, क्या लिखा आई डोंट नो, पति साइड था उनके, तो उन्होंने लिखा, उस पर बातचीत उन्होंने करी और उन्होंने इतना कहा कि योर इश्यूज आर वेरी स्पेसिफिक एंड सडनली आई विल टेक केयर ऑफ, इतना उन्होंने कहा। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बात का इतना अच्छा प्रभाव हुआ कि भारत देश की मेन स्ट्रीम की सारी बड़ी मीडिया ने, चैनल से लेकर के प्रिंट मीडिया ने, सबने इन इश्यूज को कवर किया, क्योंकि हमने कहा कि इस देश के जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के वर्कर्स हैं अगर उनको आपको सोशल सिक्योरिटी देनी है तो हिंदुस्तान के जो सुपर रिच हैं उन पर 2% टैक्स लगा दो, जो 500 करोड़ रुपया कमाता है उसके लिए 10 करोड़ रुपया देना क्या मायने ही नहीं रखता, वो दे ही सकते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका जो CSR का फंड है वो CSR का फंड हमारे इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्कर्स को आप सोशल सिक्योरिटी दे दो, तो सरकार का बजट भी नहीं लगा और इनको इनफॉर्मल इकोनॉमी के वर्कर्स को फायदा हो गया। और ये हिंदुस्तान के जो ये दबे कुचले
50 करोड़ इन्फॉर्मल इकोनॉमी के वर्कर्स हैं, जिस दिन इनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी उसी दिन मुझे लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो ड्रीम है कि हम अप टू 2047 इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, इट कैन हैपन इफ द डेवलपमेंट कम्स थ्रू द सोशल सिक्योरिटी एंड गुड लाइवलीहुड ऑफ द वर्कर्स, देन ओनली वी कैन अचीव।